If I continue to play this game, will I die? हार्ट, इसका क्या मतलब हुआ? Hi guys, this is Ramya and welcome to yet another horror week. आज क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सेकेंड वीक भी प्लीज हॉरर करो, बट प्लीज इसके नीचे ये मत बोलना कि अगला वीक भी हॉरर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इस हिसाब से तो पूरा महीना हॉरर निकालना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। प्लीज मेरी थोड़ी जान के ऊपर भी थोड़ी सी दया करो। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है द मोस्ट डेंजरस रिचुअल, दैट इज द कार्ड गेम रिचुअल। तो ये गेम शुरू हुआ है 1800 में, 1800 में। और जो ये डेक ऑफ कार्ड है, वो ऑब्वियसली बात है, आपने अगर कभी सुना हो, जो कार्ड्स होते हैं ना वो डिविनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा टैरो कार्ड्स होते हैं, वो भी कार्ड्स ही होते हैं। तो उसके थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्शन लिया जाता है, लाइक एंजल से कनेक्शन लिया जाता है टैरो कार्ड्स में, तो एंजल्स को कनेक्ट किया जाता है। बट विथ दीज डेक ऑफ कार्ड्स, जिसमें स्पेड, हार्ट और ये सारी चीज़ होती हैं, वो यूज हो सकता है एक नेगेटिव साइड, दैट इज रिचुअल के लिए भी, स्पिरिट्स को कनेक्ट करने के लिए। मैंने एक स्टोरी सुनी है जिसमें उन्होंने एक ऐसे स्पिरिट को कनेक्ट कर लिया था जिसको शायद उन्हें अवेकन नहीं करना चाहिए था। स्टार्टिंग में उसने सवाल करे, उन लोगों ने सवाल करे, जवाब मिलते गए, बट उसके बाद एक में उसके न्यूज में ये आया था कि वो लड़की नहीं रही। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि इतने न्यूज 1900 में नहीं मिलता है जितना आज के टाइम में मिलता है। बट आई रियली होप ऐसा कुछ नहीं होगा। तो डिस्क्लेमर देती हूँ, डू नॉट ट्राई दिस एट होम गाइस, डू नॉट ट्राई दिस एनीवेयर, अकेले, अब दोस्तों के साथ, किसी के साथ मत ट्राई करना। मैं कर रही हूँ, वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो और दैट्स इट, ओके? डू नॉट ट्राई दिस। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं आप लोग के लिए रेस्ट ले रही हूँ क्योंकि आप लोग ने हॉरर वीक मांगा, इसलिए मैं वापस हॉरर कर रही हूँ। तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड नाउ, एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो इस रिचुअल के लिए आपको चाहिए डेक ऑफ कार्ड्स। और सबसे बड़ी बात तो ये जो डेक ऑफ कार्ड्स का जो रिचुअल होता है, इट्स काइंड ऑफ लाइक ओउजा ओनली। बस इसमें आपको स्पेसिफिकेशन ऑफ द आंसर्स नहीं मिलते हैं, लाइक आपको टेक्स्ट पूरा अल्फाबेट वाइज आंसर्स नहीं मिलेंगे, बट येस और नो से काम चलाना पड़ता है। तो इसलिए कार्ड यूज करते हैं, बट इसमें भी सेम एग्जैक्ट चीज है, दैट इज वी आर गोना कनेक्ट, वी आर गोना कॉन्टैक्ट दी। रिचुअल के लिए वैसे आप एक जना भी कर सकता है या फिर एक जने से ज्यादा भी खेल सकते हैं। मैं एक जना खेल रही हूँ क्योंकि आप लोग गाइस कहते रहते हो कि मैं चीनू के साथ रिचुअल कर रही हूँ, तो अकेले करूँ, तो इसलिए मैं अकेले कर रही हूँ रिचुअल। ओके, सबसे पहला जो है कि कैंडल होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास एक बोल ऑफ सॉल्ट होना चाहिए। बीच में ऐसे ना डराते नहीं बेटा, क्या है मेरे दिल थोड़ा कमजोर है, जल्दी बैठ जाता है, ठीक है। कार्ड को सबसे पहले तुम्हें सामने रखना है और इसके ऊपर थोड़ा नमक डालना है। अब इसको उठा के आपको शफल करना है, ठीक है। ओके गाइस, सो इसके अंदर कार्ड्स को फॉर सम रीजन पता नहीं कुछ वियर्ड तरीके से डालना है। सो वी आर गोना जस्ट डू दैट, ऐसे दो दो के। ऐसे रो बनाने। ओके गाइस, मेरे को अभी थोड़ा सा डर लग रहा है, बट बेसिकली सबसे पहले अब हमें सवाल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, एक तरीके से क्वेश्चन नहीं है, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, आर द स्पिरिट्स विलिंग टू टॉक विथ मी। पानी का टप आया मुझे, अब अपने ना इसको ना इनके ऊपर घुमाना है, और जब भी किसी भी कार्ड से अगर मुझे हीट फील होती है, इससे लग रहा है मेरे को उठाऊंगा, जिससे भी हीट फील होती है उसको आपको उठा के, बाय द वे गाइस यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे कहीं ना कहीं पे, ओह शिट मेरे रोंगटे खड़े, मैं तो खुद से ही फटूं बहुत बड़ी, मैं पता नहीं क्यों खेलती हूँ ये सब। गाइस हार्ट अगर निकल के आता तो होता यस, स्पेड निकल के आता तो होता नो,
डायमंड निकल के आता है तो मे बी, और अगर लास्ट जो कि क्लब होता है वो निकल के आता है तो डोंट नो. तो हमें आया अभी मे बी. अब इसको हमें निकाल के हटा देना है और नया कार्ड डालना है. क्या सवाल? डू यू नो माई नेम? इससे गर्म फील हो रहा है मेरे को एक्चुअल में. चिन्नू स्पेड है, दैट मींस नो है. मेरे तो कुछ कुछ उसे मेजर हो ही नहीं, उससे पहले मेरी फट रही है. चिन्नू के कुछ होएगा, अभी कुछ हो जाएगा क्योंकि हमारे साथ आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है इसलिए. तो स्पेड आया गाइस, दैट मींस नो. आर यू हियर टू हार्म मी? यहीं से गर्म हो. कहीं डायमंड आया है, दैट मींस मे बी. ठंड बढ़ रही है क्या? मुझे एक्चुअली अब गर्मी नहीं लग रही, मुझे ठंड लग रही है. कैन यू नॉट हार्म मी? प्लीज यस और नो. ओके ओके ओके, है ना? क्वेश्चन सही था ना मेरा? हाँ. तो मुझे अभी डाइनिंग टेबल के वहाँ पे कुछ हिलता हुआ दिखा. यदि तो कमरे में लाइट बंद करो तो वैसे ही सर घूमने लगता है. गाइस हार्ट आया है एंड दैट मींस यस, दैट मींस ओके. मुझे हार्म नहीं करेंगे. ओके तो अब मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ देती हूँ. ओके, आर यू रियली विथ अस, विथ मी? बेसिकली हम दोनों हैं तो विथ अस. Okay. Maybe I guys. Okay, so the next question is going to be, are you dead? Ye quite obvious hai, but I'm still gonna ask this. Call me stupid, but agar heart aa gaya na to I swear. गाइज ऑनेस्टली आपके सामने मैंने डेक को शफल किया है. मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन सा कार्ड है. मुझे इसमें से ही टेमेट हुई, मैंने ये उठा लिया. ओके ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं गाइज. अब मेरे पसीने छूट रहे हैं, ठंडी ठंडी लगती हुई भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं पर मुझे पसीने छूट रहे हैं. ठीक है ओके. हैव यू किल्ड एनीवन बिफोर? It's a heart, guys. Guys, heart का मतलब yes है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे. मुझे समझ आ रहा है मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है. जहां पे yes नहीं आना चाहिए वहां पे yes आए हैं. वहां पे no भी आ सकता था क्या जैसे तुक्के पे तो, बट yes आया है तो मुझे थोड़ा थोड़ा इस रिचुअल में बिलीव हो रहा है. ओके गाइस मैं अब लास्ट सवाल कर रही हूँ. इफ आई कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम विल आई डाई?
इसका क्या मतलब हुआ? फेवर कर दूँ है ना? यस क्यों आ रहा है क्योंकि ओए गाइस तो इसमें अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे कुछ पीछे नहीं पीछे से मेरे को सांस मारी सुन पीछे नो ओके गाइस फेवर के लिए क्या करना था शिट ओके देखो आवाज आई क्या गाइस इसमें बोलते हैं कि लास्ट में इसको है ना रख के नमक डाल के रख लो जिससे कोई अगर स्पिरिट इसे कनेक्टेड भी है तो वो इसी में रह जाएगी एंड देन अब इस डेक ऑफ कार्ड्स को हमको कभी नहीं खेलना इसको फेंक देना बनकर यार पता नहीं क्या हो रहा है मुझे कहीं कहीं से आवाज़ आ रही है पता नहीं